हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर 15 द इंटरजेक्शन सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चैप्टर नंबर 15 द इंटरजेक्शन अ वर्ड एक्सप्रेसिंग अ सडन और स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो सडन या स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है जैसे हुरे हुरे हम कब बोलते हैं जब हम जॉय अप्रूवल या एनकरेजमेंट एक्सप्रेस करते हैं के जब हम किसी की किसी की अटेंशन हमें चाहिए होती है या हम कोई हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं आहा इज यूज टू एक्सप्रेस डिलाइट, रिलीफ रिग्रेट और स्कॉन आह का यूज हम करते हैं डिलाइट, रिलीफ या रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए अलास एक्सप्रेसिस ग्रीफ दुख को एक्सप्रेस करने के लिए ब्रेवो

फर्स्ट है डैश द बेबी इज स्लीपिंग बच्चा सो रहा है तो हम चुप रहने के लिए कहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेबी इज स्लीपिंग और हमेशा इंटरजेक्शन लिखते हुए हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है सेकेंड डैश वॉट आर शॉर्ट यहां हम किसी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ब्रेवो लिख सकते हैं वाओ भी बोल सकते हैं नेक्स्ट डैश वॉट ब्यूटी कोई चीज हमने सुंदर सी देखी तो हम वाओ भी बोल सकते हैं गॉर्जियस भी बोल सकते हैं तो हम यहाँ पर वाओ लिख लेते हैं यहाँ पर हम वाओ भी लिख सकते हैं ब्रेवो भी लिख सकते हैं तो हम यहाँ ब्रेवो लिख देते हैं नेक्स्ट यू हैव स्टेप ऑन माई फूट किसी ने आपके पैर पे पैर रख दिया एकदम से तो आपके मुंह से क्या निकलेगा आउच इसी तरह से बाकी के तीनों ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर फिफ्टीन फिनिश हो गया है होपफुली आपको इंटरजेक्शन समझ आएंगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ थैंक यू नाइस डे